मेरा नाम नाहिदा रजा है। मैं पैदा तो एक कराची में हुई थी, लेकिन अब मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ पिछले 50 साल से। मैंने जी फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। बेसिकली आई एम प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेरा वो है सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन में काम करती हूँ। और इसी सिलसिले में फिर मेरा सारा पैशन और मेरा सारा जो पिछले 20-22 साल मैंने इसी में गुजारे। एक्चुअली बस ये मैं आर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं कि आर्ट जो है इनबॉर्न टैलेंट होता है, जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से देखा। उसके बाद ये होता है कि अगर आपको मौके अच्छे मिल जाएं और आप कुछ स्टडी भी कर लें इस उसको, तो फिर आप मतलब इस फील्ड में आ सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने जो मैंने ग्रेजुएशन की थी वो मैंने फाइन आर्ट्स में की थी, तो जाहिर है बेसिक तो मैंने कॉलेज से सीखा था। लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है लेडीज़ की जो लेडीज़ या लड़कियों की जब शादी वगैरह हो जाती है, उसके कुछ अरसे तक जरा प्रोफेशन को परसू करना मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल कुछ अरसे के बाद मैंने दोबारा से अपने आप को रीफाउंड किया और एज अ प्रोफेशन इसको रखा है मैंने। और 20 से 25 साल हो गए मुझको इस प्रोफेशन में। और बस ये कह लें कि अब तो ओढ़ना बिछोड़ना यही है। देखिए, फैमिली ने आर्ट के लिए सपोर्ट किया, तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्रेजुएशन करने दिया। और उसने फिर जाहिर है जब मैं अपनी ड्यूटीज पूरी कर चुकी थी, तो डेफिनेटली फिर देयर वाज नो हिंड्रेंस कि मैं अपने प्रोफेशन को मतलब ये कि एज अ प्रैक्टिकल उसमें मैं लेकर आती। तो फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत चू चढ़ा था, आपको पता है कि होती है, लेकिन बहरहाल मतलब जब उन्होंने देखा कि भाई नहीं, शी इज़ वेरी much into it and now she has a lot of time on her hand, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है चलें आप अपना मतलब काम कर लें। तो मैं फिर मतलब आप समझिए कि जब से मैं अपना मुस्तकिल काम कर रही हूँ, मेरा स्टूडियो है बाकायदा और उसमें मैं मतलब ये फिर पेंटिंग बनाती हूँ, काम करती हूँ। और फिर यहाँ तक मुझे सपोर्ट मिली फैमिली की तरफ से कि मैंने अपनी आर्ट गैलरी बनाई थी जिसका नाम झरोक आर्ट गैलरी अभी भी है, लेकिन अभी वो सिर्फ ऑनलाइन। बस देखिए, आर्ट की फील्ड में आपको पता नहीं होता कि आप मतलब बहुत सी इंस्पिरेशंस होती हैं, बहुत से लोगों से आप सीख रहे होते हो और बहुत से लोगों का काम देख रहे होते हो। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये आप आर्ट जो है ना, कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं सिखा सकता, ये आपकी एक लाइन नहीं बना सकता। ये आपके अपने अंदर का टैलेंट है कि आप किस तरफ लेके जाएगा और आप क्या बनेंगे। ठीक है, जाहिर है बहुत से लोगों से, जिस तरह मुझे गुलजी के स्ट्रोक्स बहुत अच्छे लगते थे, राही साहब का क्यूबिज्म बहुत पसंद था, हाजरा आप्पा, ये सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के नाम बता रही हूँ, हाजरा आप्पा का मुझे ओरिएंटलिज्म बहुत पसंद था, मशहूर साहब के मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद थे। मतलब ये कि मुख्तलिफ आर्टिस्ट का आप देखते हो, सीखते हो और आप फिर उसको अपने रंग में ढालते हो, तो वो आपका जो एक रंग बनता है या आपका एक स्टाइल जो बनता है, वो फिर आप जो है उसको लेके चलते हो और वो आपकी पहचान बन जाता है। देखिए, थीम तो टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है। मतलब थीम हम उस वक्त बनाते हैं जब जब हमें कोई कलेक्शन बनानी होती है, एग्जीबिशन के लिए कलेक्शन बनानी होती है, उसकी हमारी थीम होती है। बेसिकली आई एम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट और ऑयल ऑन कैनवस मेरा वो मीडियम है, और मैं पैलेट एंड नाइफ से काम करती हूँ। और थिक मतलब मीडियम इस्तेमाल, मतलब मीडियम मेरा ऑयल है और जो मेरा पेंट है वो प्योर कलर्स में मैं उसको मतलब प्योर मतलब ट्यूब से डायरेक्टली समटाइम यूज़ करती हूँ, बिकॉज जो मेरे टेक्सचर बनता है वो काफ़ी थिक होता है और टेक्सचर पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। और उसमें चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो फिगरेटिव हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट 100% एब्स्ट्रैक्शन हो, या मतलब इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, ये मतलब मेरा आप इसको कह सकते हो कि ये मेरी वो है पहचान है। और जो थीम होता है वो मुख्तलिफ पेंटिंग में, जिस तरह मैंने अपनी एक एग्जीबिशन की थी उसका थीम था मून सीरीज़ थी वो पूरी, फिर एक मेरी जो थीम था वो थर की सीरीज़ थी। मतलब ये कि आर्टिस्ट तो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई जहन में बात आती है और फिर वो उस पर काम करता है, तो जब वो काम कर रहा होता है जिस चीज़ पर या जो उसके जहन में आती है और उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाता है, वो फिर वो उसकी थीम होती है कि मुझे क्या किस जगह और कैसे काम करना है। तो बेसिकली ये
ये आर्ट का मतलब ये सिलसिला होता है, इस तरह आर्टिस्ट काम करते हैं। मेरा ख्याल है गिनती तो शायद मुझे याद नहीं होगी, लेकिन हाँ मतलब अराउंड कुछ नहीं तो 350 या 500 मतलब कुछ इस उसमें तो होंगी, 20-25 साल हो चुके आखिर काम करते हुए। बहुत सी मतलब ये कि पूरी पूरी सीरीज पे भी काम किया, उसमें 30-40 पेंटिंग्स होती हैं, उन सब बाज़ों का रेंडमली काम करता है इंसान, वो मतलब अलग होती हैं। और ये कि ज़ाहिर है काम करते करते इतना अच्छा गुजर गया, इतनी देखी भी हैं, इतनी मतलब ये कि गिफ्ट भी की हैं, और इतनी मतलब अभी भी मेरे पास कलेक्शन है। तो आई थिंक के अगर शुरू से मैं शुरू करूँ, जो पेंसिल स्केचेस से शुरू करूँ, पेंसिल स्केच हो गया, फिर उसके बाद वाटर कलर हो गया, फिर उसके बाद पेस्टल हो गया, ड्राई पेस्टल है, उसके बाद ऑयल पेस्टल है, फिर ऑयल कलर्स हैं, तो अगर वो सारा पेपर वर्क से लेकर और कैनवस तक की अगर मैं जर्नी बयान करूँ तो कुछ नहीं तो 500 से अबव ही होंगी मेरे ख्याल मेरी पेंटिंग। जो मैंने अपनी पेंटिंग्स बेची हैं वो 75,000, 1,90,000, समाइम इससे भी ऊपर चली जाती है, या समटाइम मतलब ये कि हम हल्की फुल्की जो छोटी पेंटिंग होती है साइज छोटा होता है वो 10,000 की भी होती हैं। समटाइम हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स को अपने गिफ्ट भी करते हैं, तो दैट इज़ फॉर फ्री। तो ये इस किस्म की है कि मतलब आप इसमें जज नहीं आप कर सकते कि आपने कितने की बेची, आपने कितने की बनाई थी। ये आई थिंक काम की नौयत और आर्ट कलेक्टर की बात होती है कि वो मतलब अच्छे आपको आर्ट कलेक्टर मिल जाए तो दे पे यू मोर, और उनको आर्ट की कदर होती है, वट एवर यू आस्क देम दे विल पे। लेकिन ये कि बहुत से लोग हैगल भी करते हैं और बहुत से लोग वो करते हैं, लिहाजा पेंटिंग की कोई प्राइस आप एज सच फिक्स नहीं कर सकते। देखिए ग्रुप एग्जीबिशन तो बेबहा किए हैं जिसमें बाजू का टू आर्टिस्ट शो, 4 आर्टिस्ट शो, 3 आर्टिस्ट शो या 10 आर्टिस्ट शो, इस तरह तो मेरे ख्याल में 30-40 के करीब मेरे ख्याल में एग्जीबिशन मेरी जैसे कहते हैं ग्रुप एग्जीबिशन हुई हैं। सोलो मेरी आई थिंक कि सोलो में भी मेरी 20-25 तक सोलो एग्जीबिशन हो चुकी हैं अभी तक। तो ये कि जब जब मौका मिलता है सोलो के लिए होता है कि आपके पास कम से कम एक या दो थीम्स हों और उसमें फिर आपने कम से कम 25-30 पेंटिंग्स 40 पेंटिंग बनाई हो, फिर आपकी सोलो एग्जीबिशन होती है, तो उसके लिए कंसंट्रेट करना और उसको मतलब लेके चलना ज़रा ज़ाहिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और सम टाइम आपका दिल लगता है, सम टाइम नहीं दिल लगता। जिस तरह मैं एक सीरीज़ पे काम कर रही हूँ उसको 5 साल हो गए, वो मतलब ये कोई 100 पेंटिंग की सीरीज है और वो 1 by 1, 1 feet by 1 feet की है वो मेरी एग्जीबिशन। वो मतलब ये कि मूड्स पे डिपेंड करता है कि कभी हो जाता है तो 4-5 भी बन जाती हैं, और नहीं होता तो मतलब ये कि महीनों गुजर जाते हैं आप इनको हाथ नहीं लगाते, तो इट डिपेंड्स ऑन द मूड। अब मेरी एग्जीबिशन जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं तैयार कर रही हूँ दैट विल बी 100 पेंटिंग्स की मेरी एक एग्जीबिशन है जो मेरा ख्वाब है करना, और वो मैं उस पर काम कर रही हूँ आजकल। देखिए जो मेरे उस्ताद हैं मतलब वैसे तो डायरेक्ट कॉलेज के ज़माने से भी उस्ताद रहे हैं, लेकिन ये कि जिन्होंने मुझे सही ग्रूम किया और जिन्होंने मुझे प्रोफेशन में आने का तरीका मतलब तरीका क्या मतलब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि हाउ टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एज अ प्रैक्टिकल पर्सन एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो मंसूर राही साहब हैं। तो उन्होंने जब मेरी पेंटिंग देखी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि नाहिदा आपको भी नहीं पता आप क्या बना रही हूँ। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ। तो कहने लगे कि इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, और यह है कि ये कराची में बहुत मतलब है समझना इसको, और या फिर फॉरेन कंट्रीज में एब्स्ट्रैक्ट को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो और दूसरा ये उन्होंने किसी जो पहली मेरी एग्जीबिशन हुई ग्रुप एग्जीबिशन वो रही साहिब के अंडर हुई थी, तो वो फिर उस वक्त किसी ने पूछा कि हाउ टू डिफाइन योर पेंटिंग, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे डिफ़ाइन करूं। तो जो मेरे राही साहब मेरे सर थे उन्होंने कहा कि एक होता है गाना गाना, एक मतलब सिंपल गाना है कि आप गा दिया, और एक खुद का पक्का राग। तो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है दैट इज़ द पक्का राग ऑफ सिंगिंग। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस मोमेंट था कि मुझे पता चला कि मैं क्या बना रही हूँ और इसकी क्या वैल्यू है,
और वेयर डज स्टैंड, यू नो, आपका एक जो आप एक रास्ता लेके चल रहे होते हो उसमें कुछ संगे मील भी आते हैं. तो एक संगे मील था कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, यू नो, ये मेरा पैटर्न बना है जिस पे मैंने काम करना है और इसका ये नाम है. यू नो, मुझे पहले शुरू में काम करते हुए जब मैं एक लाइन की तरफ चली या मतलब एक मैंने अपना तरीका कार बनाया और मेरे उसमें पेंटिंग ज़्यादा बनी तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ. तो उसको नाम देना या उसको समझाने का काम जो था वो राही साहब ने किया. तो दैट वॉज, आई थिंक दैट वॉज द वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर मी कि मुझे पता चला कि दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग. यू नो, आपकी ज़िंदगी का जो इतना साल गुजर गए और आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो उसका मकसद क्या है. तो उसका मकसद ये था कि दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, यू नो. तो आई थिंक वो काफ़ी मेरे लिए बड़ी, बहुत बड़ी बात. देखिए, क्रिटिसिज्म बड़ी अच्छी चीज़ होती है क्रिटिसाइज करना, लेकिन समटाइम गलत क्रिटिसिज्म मतलब बिला वजह तारीफ भी आर्टिस्ट को बिगाड़ देती है और बिला वजह की तनकीद भी आर्टिस्ट को बिगाड़ देती है. तो शुरू शुरू में तो बहुत डिफेंड होता है इंसान की, देखो हम कितनी गहराई में जाके एक काम कर रहे हैं और दूसरे आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये पेंटिंग आपने क्या बनाई है, ये पर्दों से इंस्पिरेशन है आपकी या आपकी मतलब ये क्या बनाया है आपने. कोई कहता है कि ये तोता नज़र आ रहा है और कोई कहता है कि ये हमें गाड़ी नज़र आ रही है, तो ये क्या मकसद है. तो मैंने कहा देखिए, आपने जो समझा तो बहुत अच्छा समझा. जब मतलब मैंने शुरू में लोगों को समझाने की कोशिश की तो मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है इट्स ओपन टू एवरीवन, हर कोई अपनी नज़र से दिखता है और जो है वो उसको जो कोई नज़र आता है वही ठीक होता है उसकी नज़र में. आर्टिस्ट ने उस मूवमेंट में जिसने उसको बनाया है और जिस मूड में बनाया है और जिस तरह उसने वो किया है वो बहुत कम लोग जानना चाहते हैं. तो आर्टिस्ट भी छुपा जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब जो जिसका समझ रहा है उसी तरह रहेंगे. लेकिन जो इजी पेंटिंग होती है लाइक आपने मतलब फिगरेटिव पेंटिंग है जो मतलब वो हो गई, वो तो सामने नज़र आ रहा है कि भाई एक फिगर है जो आपको नज़र आ रही है या एक लैंडस्केप है जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो इसमें ये कि क्रिटिसिज्म को आपको बहुत अच्छी तरह लेना चाहिए, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग. अगर तनकीद बजाय तनकीद ना हो उसकी बजाय इस्लाह के लिए हो. समटाइम आप, मैं इसको ये नहीं कहती कि डिफ़िकल्ट या वो, लेकिन बाज़ोकात पेंटिंग जो है आपकी एक गो में बन जाती है. जिसका हमारा एब्स्ट्रैक्शन का है कि समटाइम आपको आप फंस जाते हो तो आप बिल्कुल फंस जाते हो और समटाइम आप जो है मतलब एक गो में आपका हो जाता है काम. तो ये कि डिफ़िकल्ट तो नहीं कहना चाहिए कि हाँ, लेकिन जो मैंने थर की सीरीज़ बनाई थी उसको मुझे बहुत सोचना पड़ा क्योंकि थर वॉज माई ड्रीम, यू नो. मैंने कभी नहीं मैं थर विज़िट किया, लेकिन मुझे ऑलवेज़ उनके कपड़े थरी लेडीज़ के, उनका पानी के मटके, और वो बहुत मतलब मुझे वो करते थे, फैसिनेट करते थे. और आई विश कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में जा सकूँ थर और जाके खुद भी देख सकूँ. तो मुझे उसको विजुअलाइज़ करने में काफ़ी टाइम लगा और उसकी रूह को जैसे कहते हैं ना अपने अंदर उतारने के लिए और उसको फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ मतलब उस वो मोमेंट जो वो घगरा पहन के और वो मटका सर पे रख के पानी लेने जाती हैं या ये कि उनकी जो चूड़ियाँ एक टिपिकल स्टाइल की वाइट होती हैं वो. और फिर मुझे किसी ने बताया कि वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन दोनों हाथों में पहनी हुई चूड़ियों का और सिंगल हाथ में पहनी हुई चूड़ियों का, और मतलब उनके यहाँ भी एक सिम्बलिज्म है कि ये एक अनमैरिड लड़की के लिए है और ये मैरिड औरत के लिए है. तो वो सारी चीज़ें जब आप स्टडी कर रहे होते हो और आप उसको कैनवस पे ला रहे होते हो दैट टेक्स टाइम, यू नो. तो वो जो थीमेटिक काम होता है या मतलब जिसको आप एक सीरीज कह लें उसमें टाइम लगता है. देखिए, मैसेज तो सबसे बड़ा तो ये है कि कीप ऑन वर्किंग. आर्ट इज़ बाय प्रैक्टिस. कोई भी प्रोफेशन जो है वो बाय प्रैक्टिस ही होता है, लेकिन आर्ट अगर एक दफ़ा हाथ रुक जाए तो वो फिर काफ़ी अच्छे तक रुका रहता है जब तक कि बहुत ही कोई आपको ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशन ना हो. तो मैं सबसे कहूँगी कि ज़रूर आर्ट करें और आर्ट को बहुत सीरियसली लें और उसको फिर दिखाएं भी लोगों को और लोगों से इस्लाह भी करवाएं और आप अपना एक रास्ता बनाएं कि आपने किस रास्ते पे काम करना है. और दूसरे ये कि मैं तो ये भी चाहूँगी कि जितना आपको मतलब ये कि एज अ सीनियर आर्टिस्ट मुझे लोग कॉलेजेस वाले स्कूल्स वाले एज अ जज बुलाते हैं और मतलब वो यही नहीं कि खाली आर्ट कॉलेजेस में बुलाते हैं बल्कि स्पेस एयर एंड स्पेस यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है और अब क्या नाम कहते हैं एयर यूनिवर्सिटी मतलब इसमें अपना
मतलब हर किस्म के कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में भी बड़ा है, ट्रेंड है, वो भी साल में एक दफ़ा ज़रूर कोई ना कोई फंक्शन करते हैं आर्ट के मुताबिक, एंड दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग आई मस्ट से। तो मैं उन सब जो प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में जा रहे होते लोग, उनको मैं कहती हूँ कि आप एज अ प्रोफेशन इसको ना रख सकें आर्ट को तो कोई बात नहीं, लेकिन एज अ हॉबी ज़रूर रखें, इसलिए कि जब आप की एक सर्टन एज आती है तो हॉबीज जो है ना आपको बहुत फ़ायदा देती हैं, आपका गुड पास टाइम होता है, आपका मतलब आपको दिल लगाने के लिए, आपका ध्यान बटाने के लिए, आपको एक अच्छा पॉजिटिव रखने के लिए आर्ट, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो आर्ट, वो मतलब जो है ना वो आपको जारी रखना चाहिए। बिकॉज इट्स मैंने जैसा मैं मेडिकल कॉलेज में गई तो मैंने उनसे कहा कि यू मे बी अ वेरी गुड डॉक्टर, अल्लाह करे कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म के और बड़े प्रोफेशनल और बहुत ही मतलब ये कि FRCS वाले और हमारे डॉक्टर्स बने, लेकिन अगर आपको आर्ट का शौक है तो इसको ज़रूर साइड बाय साइड रखें, इट्स अ थेरेपी, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थाट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपका बहुत सी डिप्रेशन दूर करने का ज़रिया, बहुत सी मतलब ये कि बातों से, बुरी बातों से बचे रहने का ज़रिया है आर्ट। और इसमें जब आप डूब के और बाहर निकलते हैं और कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो फिर आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। मुझे आप सोच भी नहीं सकती कि जूजू मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ती जा रही है। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली है, लेकिन मेरे पाकिस्तान जैसा मुल्क मैंने अभी तक नहीं देखा। अल्लाह करे ये सलामत रहे और इसमें बहुत अच्छे लोग आए जो हमारे लीडर्स हों और वो आके मतलब ये कि इस मुल्क को संवारें, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं। यकीनन जो हमारे लीडरान आए हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे अपनी जगह पे, लेकिन ये कि अगर थोड़ी सी मेहनत इस मुल्क पे कर ली जाए तो मेरे ख्याल में नथिंग लाइक योर होम इज़ आवर होम। और मैं समझती हूँ कि मुझे पहले नहीं एहसास था, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती जाती है आपको एहसास होता है कि हाउ मच यू आर अटैच टू योर मदरलैंड। मैं बिल्कुल ये मैसेज दूंगी कि आप चाहे दुनिया में कहीं चले जाएं, अपनी ज़मीन से नाता ना तोड़िएगा कभी, क्योंकि आप किसी जगह भी कितने बड़ा काम कर लें, कुछ कर लें, आप वहाँ के सेकंड रेट सिटीजन बन जाएंगे, नॉट द फर्स्ट। आप पाकिस्तान में यू आर योर बॉस एंड यू आर द फर्स्ट रेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सो जो अपनी धरती और अपने मुल्क की बात है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। आप ज़रूर वहाँ पर बहुत सी बातें अच्छी भी हैं और बहुत ज़्यादा बुरी भी हैं, ज़रूर जाएं, ज़रूर रहें, लेकिन ये कि अपने मुल्क और अपने 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 पाकिस्तान को कभी ना भूलें।